मित्रों, आज हमारे पास है पेट्रोल और एक है फेविक्विक। देखते हैं कि दोनों किस प्रकार से रिएक्ट करती हैं। तो मैं इसे सिंपली यहाँ से इसे निकाल लेता हूँ। ये मैंने निकाल ली है फेविक्विक, और जैसे ही हम इसको पेट्रोल में डालेंगे तो देखने वाली बात ये होगी कि ये किस तरह से रिएक्ट करती है। तो मैं इसे ओपन कर लेता हूँ, तो ज़्यादा देरी ना करते हुए इसमें डाल देते हैं। ये गाइस आप देख सकते हैं, मैं इसमें डाल रहा हूँ पेट्रोल में फेविक्विक। ये मैंने डाल दी फेविक्विक, पूरी मैंने ख़त्म कर दी है। देखने वाली बात है कि ये किस तरह से रिएक्ट करती है। आप देख सकते हैं गाइस, जो हमने फेविक्विक डाला है वो नीचे जम चुका है सफ़ेद कलर की बूंदे बनकर। देखो, मैं आपको सही तरीके से दिखाता हूँ। आप देख सकते हैं मित्रों, ये किस तरीके से जम चुकी है, नीचे ये बूंदे बनकर जम चुकी है। ये आप देख सकते हैं, ये जो बूंदे आपको दिखाई दे रही है ये फेविक्विक की बूंदे हैं। तो फिलहाल हम इसे गिराते हैं ज़मीन पे पेट्रोल को, और फिर देखते हैं कि बूंदे चिपकने वाली है या फिर अपना क्षमता जो है इन्होंने खो चुकी है। तो मैं पेट्रोल गिरा देता हूँ। बूंदे वहीं पर चिपकी हुई है गाइस, ये आप देख सकते हैं। नीचे जो सफ़ेद कलर की दो तीन आपको बूंद दिखाई दे रही है वो फेविक्विक है। चलो मैं यहाँ इसे निकाल लेता हूँ। मैं सही से आपको नहीं दिखा पा रहा हूँ, ये आप देख सकते हैं, ये मैं निकाल रहा हूँ। तो ये देखो गाइस, ये है वो। लेकिन ये क्या, ये तो पूरी तरह से डंप हो चुकी है, इन्होंने अपनी चिपकने की क्षमता खो दी है गाइस। तो फिलहाल हमें ये पता चला। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाइए।